ओम शांति। देवी पर्व की मंगलमय अमृत वेला में और नुमा साम योग में और सारे दिन में बीच बीच में शिव स्नेही शिव शक्ति प्यारे शिव बाबा का आवाहन कर रही हूँ। मैं आत्मा बाबा की हजार भुजाओं की छत्र छाया के नीचे सुरक्षित अनुभव कर रही हूँ। बाबा की हजार भुजाओं से दिव्य किरणों की पुष्प वर्षा हो रही है। हम सभी शिव की सहयोगी आत्माएं शिव की अपरमिति शक्तियों का गहन अनुभव कर रही है, जो सदा परम शक्ति शिव की छत्र छाया में रहते हैं। वे सदा शक्तिशाली निर्भय निश्चिंत बन जाते हैं। मैं और मेरा पन की बलि देने वाले महाबली बन जाते हैं। देवी पर्व की मंगलमय समय पर सभी शक्तियों ने शिव पिता का आवाहन किया। शिव पिता से दिव्य शक्तियां लेकर सारे विश्व की आत्माओं को योगदान दिया। नवरात्रि पर्व का आज आरंभ हो रहा है। शिव शक्तियों की पूजा आराधना का मंगलमय शुभारंभ हो रहा है। इन देवियों को पूजनीय किसने बनाया? परमपिता शिव परमात्मा ने अपनी दिव्य शक्तियां तथा दिव्य गुणों से अपनी श्रेष्ठ संतानों को अलंकृत किया। विश्व परिवर्तन के महान कार्य में अपना सहयोगी बनाया, अपना साथी बनाया। अतः धरती को स्वर्ग बनाने वाली यही शिव शक्तियां पूजनीय तथा वंदनीय बनी। बाबा के नैनों से हम आत्माओं पर ज्ञान शांति शक्ति प्रेम पवित्रता सुख और आनंद की पुष्प वर्षा लगातार हो रही है। हम आत्माएं रूहानी सुगंध से भरपूर होती जा रही है, रूहानियत को धारण करती जा रही है, अलौकिक बनती जा रही है। सबके संकल्पों में इतनी दृढ़ता आ गई है जिससे हमारा सोचना और करना सम्मान बन गया है। हम सभी शिव शक्तियाँ सर्व आत्माओं पर वरदानों की बारिश कर रही है, सबको दुआएं दे रही है। वर्तमान समय जो तपस्वी आत्माएं दुखी और अशांत आत्माओं की मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सेवा करती है, उन्हीं आत्माओं को अपने पुण्य कर्मों का श्रेष्ठ फल दैवी पद के रूप में प्राप्त होता है।
उन्हीं की नवरात्रि पर्व पर पूजा आराधना होती है। अमृत वेला के इन पावन क्षणों में और नुमा साम योग में और सारे दिन में बीच बीच में स्वयं को परम धाम में ज्योति बिंदु शिव पिता के सामने देखें। मैं आत्मा शिव की शक्ति हूँ, सदा शिव के साथ मैं कंबाइंड आत्मा हूँ। परम धाम से धीरे धीरे शिव पिता के साथ धरती पर अवतरित होती हूँ। इस देह रूपी मंदिर में शिव की सेवा अर्थ ही मैं आत्मा इस धरा पर अवतरित हुई हूँ। शिव बाबा ने हम आत्माओं को वरदानों से भरपूर कर दिया है। बाबा ने अपनी दृष्टि से हम सबको निहाल कर दिया है। परमात्म स्नेह को पाकर मैं आत्मा इस दुनिया से न्यारी और बाबा की प्यारी बन गई हूँ। इस कंबाइंड स्वरूप में मैं आत्मा शक्ति स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। परमपिता की याद डबल अनुभव कराती है। एक तरफ शक्तिशाली याद अग्नि बन पाप भस्म कर रही है, पुराने विकारी संस्कारों का परिवर्तन हो रहा है, और दूसरी ओर आत्मा आनंद तथा हल्कापन का अनुभव कर रही है। सच्चा योगी समर्थ आत्मा वही है जो काम वासना के विवेक से मुक्त है, विकारों से मुक्त होता है, इच्छा माया से मुक्त होता है, मोह रहित संशय मुक्त स्थिति वाला होता है। मैं आत्मा भी सच्चा योगी बन परमात्मा की याद से अपनी समर्थ स्थिति बना रही हूँ। जीवन मुक्ति की अवस्था मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। संसार में रहते हुए भी संसार की उलझनों से दुख अशांति से मुक्त आत्मा को प्राप्त करना ही योगी का लक्षण है, योगी का लक्ष्य है। दुख अशांति से मुक्त अवस्था को प्राप्त करना ही योगी का लक्ष्य है। शिपिता हमें राजयोगी राज ऋषि बना रहे हैं। मैं योगी आत्मा इस दुख की दुनिया में रहते हुए भी दुख के अनुभव से मुक्त हूँ। सबके दुखों को दूर करने वाली, सबके दुखों को दूर करने के लिए मैं आत्मा सभी को सुख शांति के प्रकंपन भेज रही हूँ। मैं चिंता नहीं, मैं शुभ चिंतन कर रही हूँ, शांति के प्रकंपन भेज रही हूँ। परम शांति का, परम सुख का अनुभव कर रही हूँ तथा परम शक्ति ज्योति बिंदु परमात्मा शिव से अव्यक्त मिलन मना रही हूँ।